अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल, होप यू गाइस आर वेल। तो जी, हमारा एडवांस फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स चल रहा है जिसमें हम स्टिचिंग की क्लासेस ले रहे हैं। तो आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है अनारकली, हाफ अनारकली फ्रॉक। ये हमारी स्टूडेंट की एक रिक्वेस्ट आई थी कि आपने फुल जो है वो तो अनारकली फ्रॉक जो है वो अपलोड कर दी थी क्लास, लेकिन हमें हाफ अनारकली भी जो है वो सिखा दें। तो हमने सोचा कि चले जल्दी से हम वीडियो बना देते हैं। पहले हमने जो है घेरे के लिए हमने पार्ट्स अलग कर लिए, फ्रंट का भी बैक का भी। उसके बाद हम जो है मार्किंग कर रहे हैं अपनी। अच्छा जी, वेस्ट वाली साइड पे जो आप कली की विड्थ रखेंगे वो आप अपनी वेस्ट के हिसाब से रखते हैं। जैसे इसकी वेस्ट जो थी वो 20 थी, तो यानी हम 21 रखेंगे या 21.5। ठीक है, तो आप जो है आपके पास जितनी भी वेस्ट है आप उसको डिवाइड कर लें जितने अपने पैनल्स बनाने। जैसे हमने बनाने थे पैनल 7, तो हमने 21 को 7 से डिवाइड कर दिया। वेस्ट वाली साइड से हमने पैनल रखा है 3 या 3.5 और घेरे के हिसाब से हमने रखा है 11। आप कपड़े के ऊपर की तरफ भी मार्किंग करेंगे, नीचे की तरफ भी। ऊपर अगर आपने 11 रखा है एक साइड पे तो दूसरी साइड पे 3 रखेंगे, फिर नीचे जो आपने 3 रखेंगे फिर 11 रखेंगे। यानी अगर आप ऊपर चल रहे हैं, पहले आपने घेरे वाली मेजरमेंट रखी है फिर वेस्ट वाली, तो आप नीचे उल्टा चलेंगे, यानी आप नीचे रखेंगे पहले वेस्ट वाली फिर घेरे वाली। तो इस तरीके से आपके पास डायगनल में जो है वो पैनल्स कट होंगे। पैनल्स की कटिंग के बाद जो है हम अपनी बॉडी की कटिंग कर लेते हैं। ऊपर बॉडी की कटिंग बिल्कुल जो है वो वैसे ही होगी पेटी की कटिंग, जैसे हम एक सिंपल फ्रॉक में करते हैं। हमने होल जो है अपना मार्किंग के साथ, मार्जिन के साथ रख लिया है 10। और इसके बाद जो है हम अपनी बस्ट की मार्किंग कर लेंगे, चेस्ट की। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये जो हमने अपने पैनल्स कट किए थे डायगनल में, हम उनको आपके सामने जो है वो रख के दिखा रहे हैं कि इनकी शेप जो है वो किस तरह से आएगी। अब ये हम कट कर लेते हैं अपनी स्लीव्स। हमारी स्लीव्स में जो है वो जोड़ आएगा, जॉइंट आएगा, तो फिर आप देखें कि किस तरह से हम उस जॉइंट को जो है वो डालेंगे।
जी स्लीव्स की कटिंग के बाद जो है हम अपने नेक को जो है वो बना रहे हैं बुकरम पे। अगर आपको बेसिक नेक लाइंस का नहीं पता है कि किस तरह से ड्रॉ करते हैं, मेजर करते हैं, उन्हें कट करते हैं, तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो वीडियो मिल जाएगी। बैक के लिए हम जो है अरे पट्टी कट कर लेंगे। कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम आते हैं अपने स्टिचिंग के पार्ट की तरफ। तो सबसे पहले हम अपने पैनल्स को स्टिच करेंगे, जो हमने पैनल्स कट किए थे हम उनको स्टिच करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद जो है हम अपने बाकी की पार्ट्स को जो है स्टिच करेंगे। याद रहे कि हमने फ्रंट में जो है वो 7 पैनल्स अटैच करने हैं और बैक में भी। तो जी हमारे फ्रंट के पैनल्स तो हो चुके हैं कंप्लीट, अब हम बैक के पैनल्स भी इसी तरीके से अटैच करेंगे। तो जी हमारे बैक के पैनल्स भी जो है वो अटैच हो चुके हैं। अब हम अपने अपर पार्ट पे आ गए हैं फ्रॉक के, यानी अपनी पेटी पे आ गए हैं। तो हम सबसे पहले अपना नेक को बनाएंगे। पेटी जिस तरह से हम अटैच करेंगे, नेकलाइन, शोल्डर्स, यानी ऊपर पेटी का जो भी काम है वो हमारा बिल्कुल जैसे सिंपल फ्रॉक होती है उसी तरीके से होगा इस फ्रॉक के अंदर भी। अब हम शोल्डर्स को अटैच कर देंगे।
अब हम अपने पैनल जो हमने अटैच किए थे उनको उठा लेंगे। सबसे पहले तो हम उनके सेंटर का निशान लगा लेंगे और उसके बाद जो है हम उसको उल्टा करके रखेंगे अपनी बॉडी पे, अपनी पेटी पे और स्टिच कर देंगे। बैक पे भी बिल्कुल इसी तरीके से अपनी सीधी पेटी पे, अपनी सीधी बॉडी पे उल्टा करके हम अपनी पैनल्स को रखेंगे और उसको भी स्टिच कर देंगे। अब हम अपनी फ्रॉक की जो दोनों साइड्स हैं फ्रंट और बैक की उनको अटैच कर देंगे, स्टिच कर देंगे। पैनल स्टिच करने के बाद जो है और फ्रॉक को अटैच करने के बाद हम जो है अपनी स्लीव्स को बना लेंगे, स्टिच कर लेंगे। स्लीव्स को रेडी करने के बाद, स्टिच करने के बाद हम अपनी फ्रॉक के साथ अपनी स्लीव्स को अटैच कर देंगे। स्लीव्स को अटैच करेंगे हम। स्लीव्स को अटैच करने के बाद जो है आप अपने घेरे को या तो आप सिलाई लगा लें या तो आप उसे पीको भी करवा सकते हैं।
तो जी हमारी वीडियो हो चुकी है कंप्लीट। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।